तो गुड इवनिंग गाइस, शाम का टाइम हो रहा है, छत से व्लॉग स्टार्ट किया है और ये देखिए दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। वेदर आप देखिए बारिश वाला है, बादल, पर बारिश हो नहीं रही है। उधर देखिए कितने घने काले बादल हैं। होएगी, आज दिन में कई बार हुई है बारिश, हो सकती है कभी भी हो जाएगी। बारिश आ गई है, अभी हम नीचे जा रहे हैं, पीयू का मन नहीं है जाने का। लिफ्ट तो बुलाओ। नहीं आएगी। हाँ बंद तो हो गई है लग रहा है। अचानक से बारिश आ गई थी तो हम लोग नीचे आए, तो पीहू ने बोला मम्मा अभी घर मत चलो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी थोड़ी दिन नीचे चलते हैं मंदिर में, वर्मा जी को आने में भी टाइम था, तो मैं भी सारा दिन घर पे ही रहती हूँ ना, मैं भी बोर होती रहती हूँ। और यहाँ पे पीहू को मैंने बोला जाओ दर्शन करके आओ, पूजा करो, तो वो भी अंदर गई थी। और पीहू ईरू को देखिए यहाँ पर कितना मज़े से वो गई खेल रही थी। तो हम लोग आ गए दर्शन करके और अब बस ऊपर जा रहे हैं। मन नहीं भरता, कभी नहीं भरता। चलो अभी लिफ्ट बुलाओ। तो मैंने बनाया है आज ये नमकीन दलिया, इसको मुझे ग्राइंड करना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं एंड दलिया ईरू को थोड़ा सा च्यू करने में प्रॉब्लम है अभी, तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी अपने ये अगारो के पर्सनल ब्लेंडर पे। तो ये प्रोडक्ट आपको लेना हो तो लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी अच्छा आप ले सकते हैं। पीहू आपकी प्लेट लग गई है, चलिए चलिए उठिए, उठो ईरा, उठो बेटा डिनर करेंगे। तो ये अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है और यहाँ पे मैं अपने बाहर डोर के बाहर जो है वो बंधनवार चेंज कर रही थी, तो पुराना वाला मैंने हटा दिया था जो लास्ट टाइम लगाया था, और अभी यहाँ पे मैं देखिए दूसरा जो है वो सेट करके देख रही थी कि कितना यहाँ पे जगह है और कितनी डोरी में लगेगा, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और वर्मा जी ऑफिस जा चुके हैं, पीहू स्कूल गई है, कल तो वो घर पर ही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैं इसको डोरी को बांध दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा जो डेकोरेशन करूँगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गणपति जी का पांडाल, जो कि हम लोग इस बार बाहर से बनवाने को सोचे हैं, मतलब माली को बुला करके फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन कराने की हम लोगों ने सोचा है, तो वही इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है 3:30 और पीछे से आपको बर्ड्स की आवाज़ आ रही होगी। मेरे घर के आसपास ना बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स, पैरट, पिजन वगैरह रहते हैं, तो उसी की आवाज़ आती रहती है, अच्छा लगता है। मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना तो मुझे बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि बर्ड्स की चहचाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो आज मैंने सोचा था एक वीडियो मैं शूट करूँगी, मैंने सामान जो है वो निकाल के रखा था, बट ईरा बीच बीच में उठ रही थी, मैंने उसको सुलाया था, उसकी नींद नहीं पूरी थी, तो फिर मैंने शूट नहीं किया, मैं ऐसे ही लेटी थी, कुछ कुछ काम कर रही थी, ईरा के बगल पर ही लेटी हुई थी। पीहू का आने का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट में वो आ जाएगी। और आज है तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। कल है गणपति बप्पा की स्थापना, कल आ जाएंगे बप्पा हमारे यहाँ पे, और आज अभी तक आप सोच रहे होंगे हमारे घर पर डेकोरेशन नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं सब कुछ पहले कर लेती हूँ। बट इस बार वर्मा जी का मन था कि रियल फ्लावर से डेकोरेशन कराने का, तो इस वो यहाँ पे सब होगा, तो वो हमने माली को बोला है, फूल वाले को, तो वो मे भी आज रात में या फिर कल सुबह 4-5 बजे आ जाएंगे डेकोरेशन के लिए। आज मैंने बाहर बंधनवार जो है वो चेंज कर दिया है, दूसरा लगा दिया है, और कल रियल फ्लावर से डेकोरेशन होगी, तब हमारे पापा आएंगे, तब आपको मुख दर्शन भी होगा, तो कल गणपति स्थापना भी होगी। तो बैक टू बैक बहुत सारे सरप्राइजेज आएंगे, आगे आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। एंड 8 तारीख को ईरा का बर्थडे है, वो भी हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, वो सारी बातें आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो स्टे ट्यून, और ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोई घर भी आने वाला है, कौन आने वाला है, वो सब कुछ आपको मतलब बहुत अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं।
सो मिस आउट मत करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल बटन नहीं ऑन है तो उसको ऑन कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए एंड बेल आएगी उसको प्रेस कर दीजिए ऑल वीडियोस पे, तो मेरे सारे और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यही है, आज मैंने व्लॉग जो है वो लाइव कर दिया है, वो व्लॉग तो लाइव हो गया 2 बजे, आप लोगों ने देख भी लिया है। तो बस चलिए अभी पीहू आ जाती है, फिर उसके बाद आज मैंने सोचा है मेहंदी भी लगाऊंगी, देखती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ, क्या क्या होगा, वो सारी बातें इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो लो जी लो, हमारी ईरा उठ गई, फोन जैसे ही रखा ईरा ने आवाज़ लगाई, उठ गया उठ गया। दीदी के आने से पहले दीदी के वेलकम में उठ जाता है ईरू, है ईरू है ईरू, गणपति बप्पा आ रहे हैं ईरू से मिलने। हाँ, इस बार ईरा का फर्स्ट गणपति है, सारे फेस्टिवल नहीं, सारे फेस्टिवल फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट दिवाली तो लास्ट टाइम ही थी, गणपति फर्स्ट है, क्योंकि ये नहीं नहीं गणपति फर्स्ट मतलब मेरे घर में फर्स्ट है, वैसे ये गणपति के टाइम पहले हो चुकी थी। अच्छा, मुझे ना लास्ट टाइम एक ये जो हुई थी ईरा, ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही हुई थी, तो मुझे कमेंट भी आया था कि दी आप जन्माष्टमी के दूसरे दिन गई थी, ईरा दूसरे दिन ही हुई थी। हाँ, दही हांडी के दिन ही ईरा हुई थी, ये मेरे कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था। तो आप लोग इतना कुछ याद रखते हैं मेरे बारे में, थैंक यू सो मच यार, सच्ची। ये देखो मेरा ईलू को, इनू पानी पिएगी, ईरू पानी पिएगी, पिएगी पिएगी। कौन है? वो अपनी सिपर बॉटल देख रही है, कहाँ है, दिख गई बॉटल, दिख गई ईरू को, सब समझता है ईरा, ईरा बच्चा सब समझता है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। ये लो ईरा, रुको मैं खोल के देती हूँ, ये लीजिए, थैंक यू ईरू, थैंक यू। अच्छा है, ओलियो ओलियो ओलियो, छोटे से बच्चे को ओलियो, ना ना थोड़ा थोड़ा पीते रू, थोड़ा थोड़ा पीते बेबी, पियो पियो। ईरा का जब मन होता है तो वो अपने बॉटल से इस तरह से पानी पी लेती है, ये बॉटल हम नया लेके आए थे ईरा के लिए, पियो ना ना ना, पी जाओ पी जाओ, गुड गर्ल। बच बंद कर दो, अब बंद कर दो, बंद करो। दीदी का आई रुकी, आज हम ईरा का रिएक्शन दिखाएंगे आपको कि ईरा कितना खुश होती है अपनी दीदी के आने पे, ठीक है। ईरा की दीदी आएगी नहीं आएगी? आएगी आएगी, अभी आएगी दीदी, बंद कर दो इसको ऐसे करके, ईरू हटाओ हाथ, हटाओ हाथ, हटाओ बेटू, बंद बंद हो गया, बंद बस बस रख दो, अब लाओ मुझे दे दो, दे दो, लो बॉटल, थैंक यू ईरू, थैंक यू। यहाँ पे मम्मा की बॉटल, यहाँ पे ईरा की बॉटल, ठीक है ठीक है। दीदी आ गई, दीदी ईरू की दीदी आ गई, कहाँ है देखो, ये गेट पे खड़ी हो गई, मैंने कहा दीदी आ गई तो हटो 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 ईरू, हटो बेटा, अभी देखिएगा इसकी खुशी, देखिएगा क्या हुआ ईरू, आई आई आई, क्या बच्चे, कहाँ है दीदी की, ईरू की दीदी कहाँ है, खुशी देखो ईरू की दीदी कहाँ है, हाँ ईरू ईरू, पहले उसकी खुशी देखो, खुशी, अरे दीदी को हक कर लो, हक कर लो दीदी को, हक कर लो, दीदी आ गई, बता बता गुजराती छो, तमी गुजराती छो, हाँ पूछो पूछो। तो ईरा खुश हो गई है, ईरा की दीदी आ गई, हाँ आ गई ईरू, आ गई ईरा, बहुत खुश हो जाती है, ना ना डोंट टच ईरू। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई सोया चाप, लास्ट टाइम मैंने सोया चाप बनाया था, पानी में भिगो दिया था, अब मुझे इसे थोड़ा सा बॉईल करना होगा, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक
और नीला। तो अब ये अच्छे से उबल गया है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और अभी थोड़ा इसमें ही पड़ा रहने देंगे 5 मिनट। तो मैंने यहाँ पे स्टिक से निकाल के इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, अब मुझे इसे मैरिनेट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है और इस दही में हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी ये हरी चटनी। हरी चटनी में क्या है, पुदीना है, हरी धनिया है और मिर्ची है, थोड़ा सा नमक और नींबू है, थोड़ा ही डालेंगे, बहुत तीखा नहीं करेंगे। दही है यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक को ग्रेट कर दिया है, इसको हम मिक्स कर देंगे। डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि अब इसमें हरी मिर्ची ऑलरेडी पड़ी हुई थी। मैंने लिया है कुछ काजू, 8-10 काजू हैं एंड एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है। अब मुझे इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है और इसको हम ग्राइंड करेंगे अपने अगारो के पर्सनल ब्लेंडर में। तो ये जो हमारा पेस्ट था, इसमें ही हम ये वाला जो बैटर है ये डाल देंगे तरह से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा मसाला, जीरा भुना पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी डालेंगे कसूरी मेथी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये नमक डाल के रखा था थोड़ा सा, ये अपना चाप में थोड़ा नमक मैंने डाल दिया था और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, गणपति जी जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमें इसको अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देना है। इसको रख देते हैं फ्रिज में थोड़ी देर। अभी हमारी बिल्डिंग में गणपति जी आए थे किसी के यहाँ पे, तो वही ढोल बज रहा है। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से अपना खाना बनाने के लिए और अभी मैंने फ्रिज से इसको 15 मिनट पहले निकाल दिया था। अब मैं पूरी रेसिपी तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और अभी मुझे डेकोरेशन वगैरह भी आपके साथ शेयर करना है। तो बस चलिए अब मैं अपनी मलाई सोया चाप बनाती हूँ, फिर कभी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो बस मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और सबसे पहले अपनी चाप को जो है वो मैं इसमें डाल के फ्राई कर लेती हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो रात को यहाँ पे डिनर वगैरह हम लोग का हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी, बहुत थोड़ी सी ऐसी, बस ऐसी लगा लिया था थोड़ा सा, बट बाद में अभी देखिएगा क्या हुआ इस मेहंदी का। और अभी यहाँ पे देखिए फ्लावर वाले भैया आ गए हैं, यहाँ पे फ्लावर्स आ गए हैं डेकोरेशन के लिए। तो हर बार जहाँ पे मैं डेकोरेशन करवाती हूँ ना, सो सब कुछ करती हूँ वहाँ पे, इस बार हम लोग प्लान ना करके इधर दूसरे साइड पे कर रहे थे क्योंकि ईरा का ना अभी हाथ तो वहाँ पे जाने लगा है, वो वहाँ पे छूने लगी है सब चीज़ों को। तो गाइस मेरा ना क्या हुआ कि हाथ थोड़ा सा टच हो गया था किसी चीज़ में, तो मैंने देखा कि इसमें तो कलर ही नहीं आया बिल्कुल, फिर मैंने इसको वॉश कर दिया, मेहंदी रची नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने जगह चेंज कर दी है और ये देखिए यहाँ पे जो फूल वाले भैया हैं वो डेकोरेशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं। इस बार हम लोग ये गेंदे के फूल का ही डेकोरेशन करवा रहे हैं और फ्रेश फ्लावर से करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पंडाल है वो सज गया है। ईरा को मैं बीच में चली गई थी सुलाने के लिए तो वो सब पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कैसा लग रहा है ये हमारा गणपति पंडाल, हमें मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो ये गणपति पांडाल है वो बन गया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा इस बार भी लग रहा है। हाँ, इस बार पहली बार हम लोगों ने रियल फ्लावर का पांडाल जो है वो बनवाया है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बज रहे हैं 11, लाइट्स ऑफ कर दी हैं वर्मा जी ने। ये देखिए 11 बज रहे हैं यहाँ पे। पहले मैं इधर सोच रही थी यहाँ पे हम लोग डेकोरेट करेंगे, बट अभी यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस समय तो।